उस चीज का है जब 2001 में भूकंप आया था तब का, जब भूकंप आया था तब का है। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव ना त्रीजा भाग में तमारू स्वागत छे। आगळना बे भाग ना जोयो तो पहला अचूक ए भाग जोई आवो। आ भाग में अमे अहींथी आगळ वधवाना छीए, तमने अंदर मंदिर नी अंदर भगवान ना दर्शन करावाना छीए। अने अहींया घणा ड्रोम छे तो ए वस्तु पण तमने बतावुं छुं। अहींया केटलुं पब्लिक छे ए बतावजो। तमारा घणा सवालोना जवाब आ पार्ट में तमने जोवा मळशे, तो अमारा साथे जोडाया रहेजो। आ वीडियो बहु ज इंटरेस्टिंग थवानो छे, तो जोडाया रहेजो। प्रयत्न करते है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। बहुत सारी वस्तु आ छे, आ हंस अने आ बधी वस्तु मां रात्रे लाइट थाय छे एटले बहुत मस्त लागे छे। ई नजारो अमे तमने बताऊ छु, સાંજે પણ અહીંયા પાછા આવશું અને આ નજારો બતાવું છું। સત્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હાથી પે સવાર હોકે આ રહે હૈ। ચલિયે તો યહાં સે આગે બઢતે હૈ, દેખતે હૈ આગે ક્યાં ક્યાં આતા હૈ। વાહ વે કિતના બ્યુટીફુલ। શામ કે વક્ત યહાં લાઇટિંગ ઇસમેં હોતી હૈ, બહોત અચ્છા નજારા હોતા હૈ। કે ઊંટ દેખ કર મુજે રાજસ્થાન કી યાદ આ રહી હૈ, શાયદ ઇસ શ્લોક કે બાદ અબ રાજસ્થાન જાને વાલે હૈ। પહેલાના જમાનામાં આ ચાર વસ્તુ જેના પાસે હોય ને સૌથી ધનવાન હતા, આપને કઈ વાર્તાઓ મેં કચ્છો કી વાર્તા સુની હોગી કે વો કેસે સંયમ રખતે હૈ ઓર કેસે આગે બઢતે હૈ। मेरे पीछे आप बाढ़ नगरी देख रहे होगे, इतनी पब्लिक आती है। पब्लिक आप देख सकते होगे, यहाँ देखो ये कुंडा और फ्लावर बनाया हुआ है। तो गाइस हम जब आए तो 5 नंबर के गेट में से आए थे। अभी हम यहाँ का जो मेन गेट है वो देखने जा रहे हैं। वहाँ का गेट आपको दिखाएंगे कि एंट्री यहाँ की कैसी है, और प्रमुख स्वामी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा वहाँ पर है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे हम चलते चलते थक गए, अंदर तक नहीं जाएंगे, पूरे थक गए, तो भी आपके लिए एक मेन गेट तक जाते हैं। ये बहुत बड़ी जगह है, हम पूरी जगह घूम नहीं पाएंगे। ये सामने जो है मेन गेट है, अंदर आते ही आप यहाँ देख सकते होगे, यहाँ कुछ सभा की वगैरह होती होगी। फाइनली तो ये सभागृह है, पता चल गया। ये मेन गेट है जो आप देख रहे हो।
एकदम भव्य अने विशाल गेट अने मेन एंट्री छे। बे बाजू डोम आवे छे, एक बाजू डोम आवे छे अने बाजू में बीजो डोम छे अने बे एंट्री नी आ आ बाजू आ टाइप ना पुतला छे अने आ छे पाछळ सभागृह जे आपणे जोयुं अने आ रीतना भव्य एंट्री छे। अंदर आवता ज तमे जोई शको छो प्रमुख स्वामी महाराज नी भव्य विशाल मूर्ति देखाई रही छे। तो हवे फाइनली ते मूर्ति बाजू आपणे जाशुं। તો મિત્રો જેની તલાશ હતી ફાઇનલી મળી ગયા છે। ચાઇનીઝ લોકો ભી અહીંની મુલાકાતે આવે છે। કઈજા લોકો નો હતો ત્યારે આપણે દુનિયા ક્યાં હતી? કમ્પ્યુટરમાં વાયર, માઉસ, કમ્પ્યુટર બધું આ લોકોનો જ છે, ટેકનોલોજી જ આ લોકોની છે। ગાઈઝ અંદર તક તો આ ચૂકે પણ આપ ટ્રાફિક દેખ સકતે હો। यहाँ क्या बोलूं वो भी मगज नहीं चल रहा। आप चरण को मैं देख सकते हो आप। या यहाँ जितने दिए है सब में शाम को लाइट होगी, सब जगह दिए है। ફાઇનલી આગળ જાશું અને જોશું આગળ શું શું છે। ટ્રાફિક હોય ત્યાં બહુ છે, નથી ને આવ નથી, આ એ જ જગ્યા છે। એક સેકન્ડમાં ટ્રાફિક ગાયબ। ભારતમાં રાજકમલ તરીકે ઓળખાતા આ છોડનું વૈજ્ઞાનિક નામ વિક્ટોરિયા અમે એમેઝોનિકા છે। તેના પાંદડા 12 ફૂટ સુધી વિકસવાની અને 30 કિલો વજન ખમવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। આ પાંદડાની નીચે રહેલા તીક્ષ્ણ કાંટા તે માછલીઓથી તેનું રક્ષણ કરે છે, જે પાંદડાનું રક્ષણ કરે છે। આ છોડ પર ખીલતા ફૂલ પહેલા દિવસે શ્વેત રંગી અને બીજા દિવસે ગુલાબી થઈ પાણીમાં ડૂબી જાય છે। તારીખ 9/12/1974 રોજ મોરેશિયસના એક ઉદ્યાનમાં પધારેલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આવા જ એક પાંદડા ઉપર 1.5 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતી ભગવાનની મૂર્તિ બિરાજમાન કરાવી છોડના આ પ્રકારના પ્રાસાદિક બનાવ્યો। ફાઇનલી તો અત્યારે લાઇટ શોમાં આવ્યા છીએ, આપ જોઈ શકો છો અહીંયાની ટ્રાફિક। જેઠાલાલ उनका आदर बुरी आदतों से। जब परिवार टूटे तब उन्होंने बिखरे हुए परिवार को फिर से एक किया। इस रोचक और रोमांचक लाइव एंड साउंड शो को देखें। महोत्सव पूर्ण पुरुष का। ये वो चीज का है जब 2001 में भूकंप आया था तब का, जब भूकंप आया था तब का है। फाइनली शो देखा, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा था। तो अभी हम इस लाइटिंग शो में जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम लाइटिंग शो आपको दिखाएंगे। आपने अगले पार्ट में देखा होगा तो मैंने दिन में ये पार्ट दिखाएगा। मैंने बोला था कि मैं शाम को लाइट में ये पार्ट दिखाऊंगा, तो अभी लाइट में पार्ट दिखाऊंगा। इतना अजीब सा है, एक बार जो नहीं देखा तो दुनिया में सब कुछ नहीं देखा है। ऐसे लाइटिंग बनाई है, वो भी बनाई है, वो स्वयं सेवक ने बनाई, कोई इंटीरियर आर्किटेक्ट को कोई साथ से नहीं बना हुआ है। जात मेहनत जिंदाबाद, वेस्ट माथी बेस्ट बनावेलो छे बद्दू। अब देख सकते हो गए आगे कैसे यूनिक यूनिक चीजें बनाई हुई है। लाइटिंग से इस मेरे इस साइड आप मंदिर का दर्शन कर पाओगे। मैंने दिन में मंदिर दिखाया था, अभी लाइट में मंदिर पूरा जगमगा रहा है, आप देख सकते होगे।
कितना हैवी और अच्छा मंदिर है। देखो ये लड़की कितनी, इसको भूख लग गई है, खाना खा रही है। मैं खींचे में रखता हूँ अपना नाश्ता, सिंह भजिया। ग्रीनरी वाला बिल्डिंग, हमारे पापा है तब हमको ग्रीनरी वाला घर बना के बनाना चाहते और वो ही बनाएगा हम रहेंगे। ये रेशमी धागे से कितनी एक्टिविटी की है देखो। भाभी ने ऐसा दूसरा झाड़ देखा और ये देखो, जो पहले के जमाने में सब लोग पहले के शादी के वक्त सब पर्यावरण में ऐसे झूल और सब देता है, वो झूल अभी नहीं बनाकर रेशमी धागे से बनाकर वो कितनी अच्छी तरह से पेड़ से लगाए हुए, कितना अच्छा गेटअप आता है। आगे दिन का नजारा दिखा था, अभी ये लाइट का नजारा देखो कितना अच्छा लगता है। वो दिया जैसा जलता है वो लाइटिंग है, लेकिन अब तो रियल में ऐसे ही लगता है कि दीप भी जल रहा है। ये प्रतिमा के चारों तरफ ये दिया जल रहा है, कितना अजीब सा लोकेशन आ रहा है। प्रतिमा के चारों तरफ जो दीपक जला रहा था वो उसके पीछे की तरह सब ओरिजिनल फ्लावर के बाग बनाया है। कितने अच्छी से मेहनत की है सब स्वयं सेवकों के और कितना अच्छा बाग बनाया है। हमारे घर में एक तुलसी का क्यारा भी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी जगहों में ऐसी दूसरी माटी में कितना अच्छा सा सब ओरिजिनल फ्लावर बनवाया है। हेलो फ्रेंड, चलो अब हम आज पार्ट 3 वीडियो का एंडिंग करते हैं और पार्ट 4 का तुम आगे का लाइटिंग वाला वीडियो जरूर देखना और हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।